खुले आसमान के नीचे बेटियां। विस्थापन का दर्द और सहकारी महकमों को दावे क्या होते हैं? अगर आपको देखना है तो कोरबा चले आइए, जहां धरती के नीचे छिपा काला हीरा भले ही देश की तरक्की के लिए नए आयाम रच रहा हो, लेकिन यही कोयला गरीब किसानों और मजलूम परिवारों को पीढ़ियों से विस्थापन का दंश दे रहा है। हद तो अब हुई है जब जबरन बेदखल कराए गए परिवार के 70 साल के बुजुर्ग दंपत्ति अपियोन तीन मासूम नातिनों के साथ 17 दिन से तपती जेठ की दोपहर में खुले आसमान के नीचे गुजर बसर को मजबूर है। ये वही मासूम बेटियां हैं जिनकी सुरक्षा को लेकर पूरे देश में चिंता जाहिर की जा रही है, और बुजुर्ग भी वही जिनके लिए आश्रम आश्रय बनवा रही है। जेठ की जिस तपती धूप में कुछ लोग पशु पक्षियों को बचाने की मुहिम में जुटे हैं, उसी 45 डिग्री पारे के बीच दो बुजुर्ग और उनके तीन मासूम नातिने पेड़ के नीचे अपने दिन गुजारने को मजबूर हैं। ये तस्वीर है उस कोरबा की, जिसे देश की ऊर्जाधानी और प्रदेश की औद्योगिकी राजधानी कहा जाता है। बीते 17 दिनों से ये परिवार यूं ही जिंदगी की जंग लड़ रहा है। कोरबा जिले में संचालित एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान गेवरा से उत्पादन बढ़ाने के नाम पर जिन हजारों विस्थापितों को जबरन बेदखल किया गया है, उनमें से सुखराम का परिवार भी है। ग्राम भठोरा में रहने वाला सुखराम अपने पक्के मकान के तीन नातिनों के साथ रहता था, लेकिन जैसे जैसे खदान का दायरा बढ़ा, सुखराम को घर छोड़ने के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। बीते 1.5 बरस से बसाहट के लिए SEL के दफ्तर का चक्कर काट रहे सुखराम को प्रबंधन ने कहते हुए घर तोड़वा कि पहले अपना घर तोड़ो, फिर उसकी फोटो देखते ही तुम्हें चेक दे दिया जाएगा। लेकिन 25 अप्रैल घर तोड़वाने के बाद SEL ने सुखराम को धक्के देकर दफ्तर से चलता कर दिया। नाला और का कह रहे इस तोड़वाए के बाद पैसा दे दूं कह रहे से? तो 6 लाख और 3000 पैसा और पैसा हुए चले जाके घर लटो। समय समय 25 के करा कर रहे हैं, 25 के घर लटो रहे हैं। 25 तारीख के घर लटोड़े हैं पिछले महीना, और 23 के गए हैं आडा ले हैं। 23 के मतलब आडा दे है तो 25 के घर लटोड़े हैं। आज 17 तारीख के बाबू ना धाम लगता है। अच्छा और कौन कौन है मन तोर? कौन कौन है मन? मोर नतनी है। अच्छा यह मसुआरी है। हाँ हाँ तोला भी घर के मुआवजा दे थे और बसावट ला बसावट हो ना रोके हो। अच्छा कौन शुक्ला? अविनाश शुक्ला। पंचायत करना है ठीक। और कतेक दिन रहा था सही गाँव में? साल 75 साल हो गए। तो दिन ले तो 25 तारीख ले घामेच में रहा था ही करा पेड़ के छाव में। पेड़ के छाव में है ना? का नाम है तुम्हार? बुजली भाई। सुखराम के घर वालिया के दिन ले इसने पेड़ तरी रहा था तुम्हें? SEL के अधिकारियों के दबाव में आकर अपना असियाना तोड़ चुके सुखराम को ना तो बसाहट मिली है ना पैसा, बल्कि अधिकारी उस पर बसाहट के लिए दी गई उस जमीन को बेचने का आरोप लगा रहे हैं, जो उसने आज तक देखी ही नहीं। इस बीच ऊर्जाधानी भूविस्थापित संघ ने परिवार को मदद करने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह से टूट चुके बुजुर्ग दंपत्ति अब अपने हक के लिए सत्याग्रह पर उतर आए हैं। उनके साथ वो तीन मासूम बच्चियां भी खुले आसमान के नीचे रह रही हैं, जिनके पिता पारिवारिक विवाद के चलते जेल में हैं। भूमि स्थापित संघ ने जब हमें इस जानकारी दी कि तब प्रशासक तब इस मामले की खबर लगी। यहां पहुंची टीम ने आग उगलते आसमान के 17 दिन से रह रही नन्ही मासूम को बुखार से तपते देखा, तब कहीं जाकर उसे हरदी बाजार के ऊपर स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया गया और जिला कलेक्टर से SEL को तलब किया।
हमारे शुरू से ना बोला 1.5 साल हो गए साहब, जैसे के फार्म भरे भर के अब बसावट के जो बीच में फिर कहीं समझ आओ कि 8 दिन के समय दे, 8 दिन के समय दे, फिर 15 दिन के समय दे, 1.5 साल हो गए बोला। तो 23 तारीख के गए हैं कैसे का साहब ने कहे घर टोरों से बचा जब चोर हूँ और नहीं तो नहीं चोर नहीं तो 6 लाख और 3000 पैसा तो बन चुके हैं ते टोल ले घल्ला ता पैसा उठा के ले जा। अब बोला मैं टोर दाने 25 तारीख के अब फिर गए समझे 26 तारीख के उन्होंने पता लगा पैसे बुलाए रही से वहाँ है पैसा दाने माना चोरता तो मैं कहूँ जगह ने मैं देखी नहीं हूँ मैं चीनी नहीं हूँ मैं जानत नहीं हूँ कहा लग रहे थे साहब हाँ यहाँ पंचायत करना है कहा तो लगता आ गए उठ कर समय पेड़ थर में गुजारा 17 दिन हो गए वो साथ थे अच्छे थे 5 जन 3 जन बच्चा और नारी पुरुष हमारे और इसे सियाल वाला अब पाए तो बसावट नहीं है पेट खाए है कैसे करे तेला तो धक्को मारते है मोर आदमी ला सुखराम ला वहाँ साहब और अलग खोली में लेके बात करे है अपन रूम में नहीं करे है अब बसावट हमार दे दे साहब और घर के कहा हम पहुंची चले जाबो अलग नहीं जाओ चाहे मर जाए चाहे छर जाए नोट में रहो ओ घर है तीच मेरा अभी कहा 17 दिन से कहा रहे थे स्वरूप तारी रहे हम एक टाइम रांधत रहे बच्चा मन कहूँ दिन खाते रहे कहूँ दिन ऐसे पड़े रहे सुते रहे अब एक बार धूप ला देखा वो बच्चा मन के हालत हो हमार ला जब एसएससीएल प्रबंधन आई और मकान नापी मुआवजा नापी करने के बाद बोली कि मुआवजा हो गया आपका आप घर तोड़िए तो घर तोड़ने के लिए एसएससीएल प्रबंधन ने उसे कहा और बताया गया कि वो 6,30,000 रुपया उसका मुआवजा बना है। तो सुखराम ने मुझे आके बताया तो मैं बोला कि ठीक है आप देख लीजिए। तो सुखराम घर तोड़ने के बाद में एसएससीएल प्रबंधन को फोन किया मंगू साहब बोलते हैं और नाथ शुक्ला साहब उनको फोन किया तो वो घर आए यहाँ आए गांव में और गांव में आने के बाद में फोटो खींचे उनका और मकान का फोटो खींचने के बाद गए और 26 अप्रैल से लेके आज दिनांक तक न उनको मुआवजा दिया गया न बसाहट दिया गया न कुछ नहीं दिया गया और उसके छोटे छोटे उसकी नतनी है 3 एक बहुत ज्यादा बीमार है और वो बूढ़े हैं सुखराम का उम्र करीब मैं बोलता हूँ 60-70 साल की उम्र है और वो जमीन पेड़ के नीचे जीवन यापन करीब उनका कहना यह है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो बहुत सारे लोग पहले ऐसे हुए हैं कि घर तोड़ के चले जाते हैं फिर उनका पैसा नहीं मिलता वो घूमते रहते हैं तो जब तक मेरा पैसा नहीं मिल जाएगा चाहे मैं मर जाऊँ यहाँ से मैं जाऊँगा मुझे वो जीत गए कलेक्टर साहब से दूरभाष के माध्यम से जानकारी तो हम लोग तुरंत सक्रिय हुए मैं पुलिस के साथ और डॉक्टरों की टीम के साथ यहाँ आया बुजुर्ग हैं सुखराम उनकी नतनी है उनको लू लगी हुई थी तो उनको हम लोग यहाँ से अपनी गाड़ी में लेके हरदी बाजार से लेके गए वहाँ उनको एडमिट कराए अभी उनको ट्रिप वगैरह लगे हमारे तक उनकी अच्छी है साथ में उनको जो उनकी मुआवजा राशि है मकान की वो एसएससीएल से आगे दिलवाएं आरटीजीएस के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट ट्रांसफर हो गया है तो उनको मकान का 2,73,900 कुछ मिला वो तो मिल गया है उनके सर उसके साथ साथ उनको बसाहट चाहिए या बसाहट की राशि चाहिए उस मामले में एसएससीएल और उनमें कुछ डिस्प्यूट है तो वो हम बैठ के सुलझा देंगे। 17 दिनों से परिवार यहाँ पे रह रहा था सर क्या प्रशासन में जानकारी नहीं मिली एसएससीएल द्वारा हमें कोई जानकारी इसकी नहीं दी गई थी जैसे ही हमको जानकारी मिली हमने कार्रवाई की। दरअसल ऊर्जा धानी के भू विस्थापित बीते 3 दशक से अपने विस्थापन बसाहट और नौकरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार की नीतियों के तहत इन्हें सुविधाएं दिलाने के लिए राज्य सरकार जिला प्रशासन से लेकर खुद जन प्रतिनिधियों ने भी लगातार कोशिशें की लेकिन आंकड़े बढ़ाने में मसरूफ एसएससीएल प्रबंधन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तपती धूप में पेड़ के नीचे रह रही बेटियां और बुजुर्गों ये तस्वीर भी विकास के 100% दावों के बीच से निकल कर आई है। कलेक्टर की नाराजगी के बीच दंपति के खाते में केवल मकान का मुआवजा तो आ जाएगा लेकिन बसाहट के इंतजार में इनका सत्याग्रह कब खत्म होगा ये तय नहीं है।